हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास रखते हैं, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से सारे चैप्टरों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं विद ट्रिक्स के साथ में। तो दोस्तों, आप लोग पहले हमारा लाइव शेड्यूल देख लें, आप लोग टाइम से आ जाया करिए। 3-4 दिन की बात है, 20-21 को आपका पेपर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए। इससे पहले दोस्तों, एक करंट अफेयर की क्लास हुई है 6 मंथ का, जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। रात 8:30 बजे इस क्लास के पहले हुई है। जिन लोगों ने ना देखा हो, इस क्लास के बाद वो लोग देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कर वहाँ प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। और मैथमेटिक्स की क्लास खत्म होने के तुरंत बाद 9:30 बजे से आपका संविधान का मास्टर क्लास चलेगा, तो आप लोग संविधान का मास्टर क्लास जरूर देखिएगा, जिसमें 500 से ज़्यादा एमसीक्यू हम लोग करा रहे हैं और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 12 बजे दोपहर वाला सामान्य ज्ञान, 5 बजे वाला सामान्य हिंदी लाइव, और फिर सामान्य ज्ञान 7 बजे वाला, और सामान्य हिंदी 6 वाली और 8 है, जिन लोगों ने ना देखा हमारे चैनल पर विजिट कर देख लीजिएगा। चलिए हम आज का मैथ का टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये ग्रुप सी और डी दोनों के लिए है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, तो पिता की आयु क्या है? चलिए दोस्तों, आप लोग हल करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी सही है, 38 वर्ष। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष बताया गया है, तो हम मान लेते हैं कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो x है और जो पिता की वर्तमान आयु है वो 60 - x है। फिर इसने कहा 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जो है, यानी 6 वर्ष बाद कह रहा है, यहाँ पर 6 वर्ष पहले कह रहा है, इसका मतलब जब ये 6 वर्ष पहले x माइनस 6 का पुत्र था और पिता थे 60 - x - 6 के। अब आप लोग को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। फिर कह रहा है 6 वर्ष जो पहले की आयु थी, पिता जो था अपने पुत्र का दोगुना था, तो पिता की आयु इतनी थी, यानी 60 से आप लोग 6 घटा दीजिए, 54 - x थी, और पुत्र की x माइनस 6 की दोगुनी थी, तो 2 × x - 6। अब हम लोग इसी को हल कर लेते हैं, तो मिलेगा 54 - x बराबर 2x - 12। x इधर ले आते हैं और 54 उधर ले जाते हैं, -x - 2x बराबर -12 - 54, तो -3x बराबर -66, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 22 × 66 x बराबर 22। अब x का मान 22 आया, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, 22 वर्ष, और पिता की आयु कितनी हो गई, 60 - 22 बराबर 38 वर्ष। और यहाँ पिता की आयु पूछी जा रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी से 38 वर्ष। दोस्तों, अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार थम्सअप कर दीजिए, गॉट इट लिख दिए, यस सर हमें समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 है, 3 से विभाजित होने वाली 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं बहुत अच्छे ट्रिक से समझाने जा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर 100 से 200 के बीच पूछ रहा है दोस्तों, तो अब 100 के बाद 102 जो है 3 से विभाजित होगा, फिर 105, इसी तरीके से डॉट 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 तक 198 तक 3 से विभाजित होगा। ये 100 और 200 के बीच की संख्याएं हैं। अब आप लोग जानेंगे, अब इसमें से अगर हम 3 दोस्तों कामन कर लेते हैं तो हमें अंदर मिल जाएगा 34 + 35 - 36 डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से मिल जाएगा 66 तक। अब आप लोग 34, 35, 36 आए थे, डॉट डॉट 36 तक। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो आप ये जानते हैं कि 1 से 66 तक संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आप लोग ये जानते ही हैं, और आप ये भी जानते हैं, तो पहले हम 1 से 66 तक का योग निकाल लें और उसके बाद 1 से हम लोग 33 तक का योग निकाल लें,
तो हमें जो मिल जाएगा और इससे इसको घटा देंगे अगर, तो 34 से 66 तक का योग मिल जाएगा, और उसके बाद उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे जो ब्रैकेट में आया था 3, फिर ब्रैकेट में आया था 34 35 डॉट 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 66, तो हमें पहले इनका योग मालूम होना चाहिए। और हम 34 35 डॉट डॉट 66 तक का योग निकालने के लिए पहले हम 1 से 66 तक का योग निकाल लेंगे, फिर 1 से 33 तक का योग निकाल कर घटा देंगे, उसके बाद में हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए, 1 से 66 तक का योग आप जान गए, एन एन प्लस 1/2 पर लगाएंगे तो 66 गुणे 67/2, ठीक है, फिर माइनस, और 1 से 33 तक के निकालेंगे तो 33 गुणे 34/2, अब 17 दुनी 34 और 33 दुना 66, अब 33 का 67 से गुणा कराएंगे 2211 आएगा, और 33 का 17 से गुणा कराएंगे 561 आएगा आपका, और ये बराबर आपका 1650 आ जाएगा। अब हमें मिल क्या गया, जो ये 1650 है ये हमें मिल गया 1 से 34 से 35 66 तक का योग मिल गया। अब हमें जो मिला था वो 3 गुणे 34 कामा 35 कामा 36 कामा 66 निकालना था। अब ये अंदर का मान में 1650 आ गया, 3 से हम गुणा करा देते हैं, 3 गुणे 1650 बराबर 48 49 150, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, 100 से 200 के बीच 3 से विभाज्य संख्या निकालनी थी, तो मैंने पहले लिख लिया 102 105 कामा 198 डॉट 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 लिख लिया, फिर 3 मैंने कामन कर लिया तो मुझे बाहर 3 मिला, 34 कामा 35 कामा 36 डॉट 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 66 तक मिला। अब मुझे 34 से 66 तक का योग मालूम करने के लिए पहले मैंने 1 से 66 तक का योग निकाला, उसके बाद में मैंने 1 से 33 तक का योग निकाल कर घटा दिया, तो मुझे 34 से 66 तक का योग आ गया, और उसमें 3 से गुणा करा दिया तो हमारा आंसर आ गया 4950। अगर आप लोगों को मेथड समझ में आ गया हो दोस्तों, तो एक बार थम्सअप कर दीजिए, गॉट इट लिख दीजिए, यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है जबकि बी एक दिन में उसे पूरा कर सकता है, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, कार में उनकी क्षमता का दक्षता का अनुपात बताइए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों, चलिए आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, 1:2:4। अब कह रहा है एक किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, मान लेते हैं उसका 1/2 कार्य करता है ए, बी पूरा कर लेता है अर्थात बी एक कर लेता है, उसके बाद जो सी है वो बी एक दिन में उसे पूरा कार्य कर सकता है, सी के एक दिन का कार्य बी के एक दिन के में आधा है, तो जब बी का आधा है इसका मतलब सी का इससे 2 गुना अर्थात ये 2 कर लेता है। अब हमें इन पे अनुपात बदलने के लिए ये 2/2 है तो ऊपर सम में 2 से गुणा करा दें, तो ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, और ये 2/2 = 4, यही हमारा अनुपात मिल गया, 1:2:4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक है, चलिए आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 54 का, चलिए आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बताया था कि ये 2.4 को लिख सकते हैं 24/10, और इसे लिख सकते हैं 36/100, और कामा इसे लिख सकते हैं 72/10। अब आप नीचे का लासा निकाल लीजिए, ऊपर का मासा ले लीजिए और नीचे का लासा ले लीजिए, और ये पूरे का क्या आ जाएगा आपको, आपको पूरे का इसमें क्या ज्ञात हो जाएगा, मासा ज्ञात हो जाएगा, ऊपर मासा निकाल लीजिए और भाग दे दीजिए लासा से। अब चलिए आप जानते हैं 24, 36 और 72 का जो मासा है वो कितना 12 मिलेगा, और 10 और 10 का लासा 100 मिलेगा, तो 12/100, अब इसे हम काट दें 0.12, यही हमारा आंसर आ जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में। अब मैंने आपको आरोही क्रम पहले बताया था कि जो आरोही क्रम होता है वो बढ़ते क्रम में होता है, और जो अवरोही क्रम होता है वो घटते क्रम में होता है।
तो दोस्तों आप लोग आरोही और अवरोही समझ ही गए कि आरोही जैसे 1, 2, 3, 4 ये आरोही क्रम में हुआ, अवरोही जैसे 4, 3, 2 ये अवरोही हुआ। अब यहाँ 55 में आरोही क्रम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 6/8, 7/9, 5/6, 11/13। आप 6/8 का आप जानते हैं 0.75 हुआ, 7/9 का 0.77 हुआ, उसके बाद में 5/6 का 0.83 हुआ, और 11/13 का हुआ 0.846। तो ये आरोही क्रम में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। 15,876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक होगा। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। 1526, 15,876 में वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, ये 126 का वर्गमूल लिखा है और इसमें इकाई का अंक 6 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों, फटाफट से आप लोग उत्तर करते रहिए इसका। चलिए 54 आप लोग देखिए, यहाँ -1/2 की होल स्क्वायर है, तो आप लोग पहले छोटे ब्रैकेट को खोलिए, तो -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, उसके बाद में मझला कोष्ठक का पावर -2 बड़ा ब्रैकेट -1। अब इसकी पावर -2 है, तो 4 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, अर्थात 4 का स्क्वायर हो जाएगा और की पावर -1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, की पावर -1 हो गया, -1 है यानी कि 1/16 लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी भी होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, 1.07 × 65 + 1.07 × 2t6 + 1.07 × 9 का मान है। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, 107। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें आप सब में 1.07 कॉमन कर लीजिए, अंदर मिल जाएगा 65 + 26 + 9। अब इनको आप जोड़ लीजिए तो 1.07 × 100 हो जाएगा और बराबर 107। एग्जाम में आपसे बहुत बड़ा गुणा करने में नहीं दिया, और अगर ऐसे दिए जाते तो आप समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई टेक्निक ज़रूर है, क्योंकि एग्जाम में आपका वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देना होता है जिसमें एक तरफ से कम समय भी लगे, और जो लोग टेक्निक नहीं जानते उनका समय ज़्यादा लग जाएगा अगर मल्टीप्लाई कराएंगे सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 की ओर। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर करते रहिए। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि 100 रुपये में 100 रुपये का वो देता था वस्तु 100 ग्राम, अब उसने क्या किया 80 ग्राम दे दिया 100 का, यानी कि 80 रुपये का उसने आइटम दिया और उसने 5% नफा 105 लिया, तो 80 रुपये का उसने सामान देकर 105 लिया, यानी 80 रुपये पर 25 रुपया लाभ हुआ, तो 25 कितना प्रतिशत है 80 का, आप लोग निकाल दीजिए। 0 कट गया, 25 ÷ 250 / 8, 8 × 3 = 24 और पॉइंट लगा 10 बचा, 8 × 1 = 8 पॉइंट लगा, 2 गया 20 × 8 = 16 और 8 × 5 = 40 21.25%। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21.25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 60 का। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट और सेकंड 3600 सेकंड होता है, और 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड। अब आप लोग निकाल दीजिए कि 3600 का 72 कितना प्रतिशत है, तो 72 × 100 / 3600, 0 0 कट गया, 36 एकम 32 = 72, 2%। तो
क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। चलिए आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 का फटाफट। और पहले आप लोग इसका फार्मूला बताइए कि प्रथम 100 संख्याओं का जो औसत विषम संख्याओं का औसत होगा उसका फार्मूला क्या होगा। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, 50। अब आप जानते हैं n+1/2 होता है और 1 से 100 तक में अंतिम संख्या कौन सी होगी, 99 होगी। अब n क्या होगा, 99 होगा, तो 99 + 1/2 = 100/2 = 50। यह ऑप्शन बी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर देते रहिए। चलिए दोस्तों आप लोग आंसर करते रहिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि एक्स जो धनराशि थी ये 496 हो जाता है, तो इसका जो ब्याज होगा साधारण वो 496 - x = साधारण ब्याज होता है एक्स गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100। अब इधर आप लोग 25 से गुणा करा दें और उसके बाद में 6x बराबर आपको मिल जाएगा, 6x बराबर आपको यहाँ पर हल कर लीजिएगा। ये साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज है, 6x = 25x = 496 × 25 कराकर आप लोग 25 से इधर ले आइएगा और हल कर लीजिएगा। 62 का जो राइट आंसर आपका आएगा x = 400 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी है हमें बताना है। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए दोस्तों आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर, अब दोस्तों मान लेते हैं कि समय जो जाने में लगा वो कितना, दूरी x थी और 2 किलोमीटर प्रति घंटे का 3 किलोमीटर, तो x/3 लगा, और वापस आने में समय उसको x/2 लगा, दूरी x और चाल 2 किलोमीटर। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं आपस में तो हमें 5 घंटा मालूम है, तो x/3 + x/2 जो है ये 5 घंटे के बराबर है। अब लघुत्तम ले लीजिए, 3 × 6 और ऊपर 2x + 3x/6 = 5, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 5x = 30, तो x = 5×6 = 36। अब आपको दूरी पता चल गई कितना है, 6 किलोमीटर, और यही पूछ रहा था वो कि उसके स्कूल से और उसके घर के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं, यदि ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं तथा एक किरण ओ सी इन इनसे कोई कोण बनाती है, यदि कोण 75 डिग्री हो तब दूसरा कोण है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर देते रहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 105। अब आप जानते हैं दो कोणों का योग जो यहाँ पर होगा 180 डिग्री होगा, 180 अंश। अब जिसमें एक 75 है तो 75 घटा देंगे और बराबर कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 105 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं, एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है, उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो जाए। चलिए आप लोग उत्तर देते रहिए क्वेश्चन नंबर 65 का। उत्तर देते रहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिए दोस्तों आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 1.5 लीटर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो, तो हम मान लेते हैं कि दो जो है, मान लेते हैं कि x लीटर पानी मिलाया जाता है, x लीटर
पानी मिलाया जाता है, ठीक है। अब दो भाग जो है दूध हो गया और प्लस 2x पानी मिला दिया गया इसमें, और बराबर कितने 5 लीटर है, ठीक है। तो दो उधर ले जाएंगे हम, तो 2x बराबर 5 माइनस 2 3 बचेगा, तो हमें x बराबर कितना मिलेगा 3/2, और यही हमारे पानी की मात्रा हो जाएगी। तो x बराबर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 सही 1/2, 1.5 लीटर पानी मिलाने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। एक लंब कोणिक समांतर षटफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तदनुसार उसका आयतन होगा। चलिए आप लोग उत्तर देते रहिए क्वेश्चन नंबर 66 का। अब यहाँ पर लंब कोणिक समान षटफलक है, तो पहले मैं आपको लंब कोणिक समांतर षटफलक का आयतन का फार्मूला जो होता है, पहले तो उसे आप लोग का जानना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी क्षेत्रफल जो है क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। तो जो उसका आयतन होगा वो अंडर रूट जो क्षेत्रफल दिया है इनका योग होता है। आप लोग ये जानिए कि जैसे लंबकोणिक समांतर षटफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल दे दिए गए, तो प्रथम फलक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2 प्लस क्षेत्रफल 3, ये इनका आयतन होगा लंबकोणिक का। आप लोग ये ध्यान दीजिए, अंडर रूट क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2 प्लस क्षेत्रफल 3, जो लंबकोणिक में तीनों क्षेत्रफल बताए गए हैं तीनों फलक के, जैसे यहाँ 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये हैं तीनों जो क्षेत्रफल बताए गए हैं। यहाँ प्लस नहीं दोस्तों, गुणा का निशान होगा। काफ़ी पहले फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्षेत्रफल 1 × क्षेत्रफल 2 × क्षेत्रफल 3। इस समय ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं, लेकिन पूछे जाने के ऐसे क्वेश्चन संभावनाएं हैं। ये होते हैं लंबकोणिक समांतर षटफलक के 3 फलकों के जो क्षेत्रफल उनका आयतन ये होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अंडर रूट 12 × 20 × 15, 15 × 2 = 30, बराबर 3600, अंडर रूट 3600, और अंडर रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, 60। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। चलिए आप लोग उत्तर करते रहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं इस वीडियो का एम रखता हूँ 500 लाइक, आपको इस एम को पूरा करना है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो 4-5 दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास बची है, और उसमें हम लगातार इस क्लास को कराते रहेंगे, और अभी UPPCR TG2 के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है, और जिनका सही जाएगा मैं उनका नाम भी लूंगा। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 67 का आप लोग उत्तर देते रहिए। अब यहाँ दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले हम लोग ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताइए समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई जो है 5 मीटर है, 5 मीटर है, और उसका कर्ण जो है 13 मीटर है। अब आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा होगा कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है। अब हमें यहाँ से लंब बराबर मिल जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें कर्ण मालूम है, कर्ण हमें बताया गया है कि इसमें जो कर्ण है वो 15 मीटर का, 13 मीटर का, और आधार हमें बता दिया गया है 5 मीटर का है। अब लंब बराबर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। दोस्तों लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक बार फार्मूला फिर से देख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम लंब स्क्वायर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया 5 का स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट 13 = 169
माइनस 125, तो लंब बराबर 169 माइनस 25 बराबर 144, अंडर रूट 144 का आप लोग जानते हैं वर्गमूल 12। तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल अब आ गया 12, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो हमें उसकी लंब पता चल गया। अब आप लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं दोस्तों, कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 लंब गुणे आधार होता है, लंब गुणे आधार होता है। अब हमें लंब पता ही चल गया कि लंब जो है हमारा कितने मीटर, 5 मीटर का है, और आधार जो हमने निकाल लिया 12, तो 1/2 गुणे 5 गुणे 12, तो 12×5=60/2 बराबर 30 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर दोस्तों सी सही है। और दोस्तों मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि इस समय 9:30 बजने वाले हैं, और जो हमारे स्टूडियो में संविधान वाले सर आ चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करने के तुरंत बाद हमारे चैनल पर विजिट करिए, और वहाँ आपको संविधान की मास्टर क्लास का लाइव स्ट्रीम मिल जाएगा, और सर आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करने के तुरंत बाद हमारे चैनल पर विजिट कर संविधान की क्लास पर लाइव आ जाइए। बहुत अच्छा क्लास होगा, जिसमें 500 क्वेश्चन सर लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी वक्त आप लोग संविधान की क्लास पर विजिट कर जाइए, बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है, सर लाइव के लिए बैठ चुके हैं। चलिए आप लोग, अब ज़्यादा देर हो रहा है, आप लोग संविधान की क्लास में लाइव पहुंच जाएं। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।